नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं मुख्य अतिथि द्वारा 1338 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। इनमें 803 छात्र और 535 छात्राएं शामिल हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय आज अपना 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वैसा ही दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सारे विद्यार्थियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे विद्यार्थियों के लिए गौरवनीय है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से परीक्षा पास कर हमारे विद्यार्थी आज उपाधि प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीक्षांत समारोह के सहभागी बन रहे सभी विद्यार्थियों को मैं उनको शुभकामनाओं से भी प्रेरित करता हूँ। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में कांग्रेस और इनेलो विधायक ने डीएपी खाद का मुद्दा उठाया। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं, मुझे खाद की इम्पोर्टेंस पता है, कहीं पर भी खाद की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं दोबारा फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, पूरा डिटेल के अंदर जवाब दिया गया और बताया भी गया कि कितना आपके यहाँ स्टॉक उपलब्ध है। और अगर इन्होंने उस दिन ध्यान से नहीं सुना, आप उसको नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि याद रहेगा, इनके याद भी नहीं रहता है जी भी पहले क्या कहा है, आज भूल गए हैं उस बात को। आप कोई खाद की कमी नहीं है, एक इस प्रकार का अफवाह फैला करके, मैंने कहा है कि ये सीजन है, धान का सीजन आता है और अगला सीजन है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ मैं, मुझे मालूम है खाद की जो समस्या है। एक मैं भी बताना चाहता हूँ, ये सिरसा के अंदर 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063 और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है अगली। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में खाद और डेंगू का मुद्दा छाया रहा। इस बारे में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहा है। हम विपक्ष से भी ये पूछ रहे हैं कि वो बताए कि खाद की कमी किस जगह पर है, ताकि उसी कमी को पूरा किया जा सके, लेकिन विपक्ष जगह भी नहीं बता रहा, जिससे साफ है कि विपक्ष को पता है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को बढ़ाना चाहता है। डेंगू को लेकर उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और हर साल ऐसे प्रबंध किए जाते हैं ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। विपक्ष जानबूझकर मुद्दा बना रहा है। बढ़ते प्रदूषण के बाद हरियाणा के स्कूलों में के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ स्कूल बंद किए गए हैं। स्थिति को देखते हुए स्कूल आदमी वाले सबके साथ, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, ये झूठों के सरदार हैं आम आदमी वाले सबके साथ। हमारे यहाँ पे जो स्कूलों की बात है, ये सही है कि इन दिनों में बुजुर्गों को भी और बच्चों को भी थोड़ी तकलीफ होती ही है, ये आज से नहीं बरसों से ही है। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे आपको दिख जाएगा कि बुजुर्ग आदमी और बच्चे बड़े परेशानी में नजर आते, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लेने होते लिए गए।
आखी पराली वालों मामले में भी ये लोग जो बार बार हरियाणा को टारगेट करके बोलते हैं, अपनी नाकामियां छुपाते हैं। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल से हरियाणा विधानसभा में खाद की कमी और डेंगू पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किए हैं और दोनों ही मुद्दों पर सरकार जवाब से बचती हुई दिखाई दी। यदि पर्याप्त मात्रा में खाद है तो किसानों की लंबी लाइन क्यों लग रही है, सुनिए आगे गीता बुक्कल ने क्या कुछ कहा। विधानसभा के तीसरे दिन आज खाद की कमी और डेंगू की बीमारी को लेकर विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन पर चर्चा हुई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल है, उनसे बात करते हैं। मैम, आज दो कॉलिंग अटेंशन पर चर्चा हुई डेंगू और खाद की कमी को लेकर, सरकार ने जिस तरीके के जवाब दिए और डेंगू को लेकर जो मैनेजमेंट किया, क्या 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 लगता है? देखिए, आज जो बजट भी पेश किया गया, दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगे। मान लीजिए जिनके प्रस्ताव लगे हैं और रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, मंत्री जी ने अपनी इन्फॉर्मेशन टेबल कर दी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसमें जो है, जब डीएपी की खाद की कमी है तभी तो मीडिया भी दिखा रहा है और तभी तो हम लोग भी बोल रहे हैं। मान लीजिए कमी नहीं होती तो कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये लोग क्यों एक्सेप्ट करते? तो ये स्टॉक में अवेलेबल है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे क्षेत्रों में जो है बिजाई जल्दी हो जाती है, 15 दिन पहले हमारे यहाँ तो गेहूं अब बीज दिया गया है, सरसों हमारे यहाँ बीज चुकी है। तो इसमें जो है इनको पूरी तरह से उस हिसाब से ही जवाब देने का काम करना चाहिए। और डेंगू के मामले लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय। आप फॉगिंग की बात करें, फॉगिंग तो जो अंडे मच्छरों में तब्दील हो जाते हैं डेंगू के मच्छरों में, तब फॉगिंग का फायदा, उससे पहले तो रोकथाम के करनी चाहिए। और दूसरी बात, हॉस्पिटल्स डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, तो आप उनमें दवाइयां अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और आप इसमें क्या राजनीति कर रहे हैं? सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको इसको रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार ने रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी है। मैम, खाद को लेकर एक बार फिर जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके में इतनी कमी है, इतनी कमी है। सरकार कहती है कि जो है हमने खाद भिजवा दिया है। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएं और जांच करें कि अगर कमी नहीं है तो लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल, जिनका कहना था कि आज डेंगू के मसले पर, यूरिया खाद के मसले पर सरकार की तरफ से जो कॉलिंग अटेंशन मंजूर किए गए थे, उस पर जो जवाब दिया गया है वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखते। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। बीजेपी के समालखा से विधायक मनमोहन भड़ाना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है, कई बार व्यवस्था में कुछ कमी रह जाती है, बिजाई के लिए किसानों को पर्याप्त खाद दी जाएगी। नीति में आरोप और प्रत्यारोपों का जो है दौर चलता ही रहता है, और मुख्य बात यह है कि भाई जो फैक्ट्स हैं उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार ने बड़े स्पष्ट किया है कि भाई नवंबर 12 से भी, माननीय हुड्डा साहब ने भी ये प्रश्न उठाया कि नवंबर 12 तक कितनी आपके पास वहाँ पर जो है स्टॉक था और कितना आपने जो है किसानों में बांटा है, तो उसका भी हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि भी इतना स्टॉक था और इतना हमने बांटा है जो पर्याप्त है पूरे हरियाणा के किसानों को देखते हुए। अब ये है, थोड़ा डिले, लाइनें लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मिल नहीं रहा है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ अगर एकदम से सभी की उसकी आवश्यकता है और सभी उसको लेना चाह रहे हैं, थोड़ा विलम्ब तो है, लाइनों में लगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पराली जलाने के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम आतिशी के बयान का जवाब दिया। बड़ौली ने कहा कि आतिशी पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 80% कम होने की बात कर रही हैं, जबकि वो ये नहीं जानती कि पराली क्या होती है। पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाएगी। इसी के साथ बड़ौली ने दूसरे मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला है, 21 अगस्त 2024 से जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकार का गठन होने के बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत हरियाणा में हुई। वैसे ये शुरुआत पूरे देश में हुई है। 7 प्रांत ऐसे थे जहां चुनावी प्रक्रिया के कारण से रोका गया था, और हरियाणा क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला हुआ है, और हर 6 वर्ष के बाद जो पुराने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको रिन्यू करने का भी काम करते हैं और नए सदस्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं।
फरीदाबाद में आईएमटी आगमन सोसाइटी के पास दो गाड़ियों और एक ऑटो का जोरदार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं ऑटो में बैठी सवारियों को भी कई चोटें आई हैं। बता दें कि गाड़ी काफी स्पीड में होने के कारण ऑटो से जा टकराई और साथ ही में जा रही दूसरी गाड़ी में को भी टक्कर मार दी। घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं मौके पर डायल 112 की गाड़ी पहुंची। टक्कर की आवाज सुनते ही आगमन सोसाइटी से लोगों ने बाहर आकर देखा तो ऑटो में जो सवारी थी उनको घायल देखकर अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां सड़क हादसे में ऑटो चालक को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं इस ऑटो में बैठी सवारियों को भी हादसे का शिकार होना पड़ा। आपको बता दें कि दो गाड़ियों और ऑटो की टक्कर में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही ऑटो में बैठी सवारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कितने लोगों को चोट आई है सर? बता रहे हैं सात आठ आदमी चोट आई है। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई? अभी तो पता नहीं, जो डॉक्टर के पास गए जैसे हमारे पास रुक गए। आपको कैसे पता लगी? ईआरवी। अच्छा, मेरी गाड़ी यहाँ उधर चली गई थी। अच्छा, मैं इधर से आ रहा था। हाँ हाँ, पहले गाड़ी वाला ऑटो से टकराया जी, फिर मेरे से टकराया। अच्छा, मैंने यहाँ से न्यूट्रल किया गाड़ी को, रोक के रोकने की कोशिश की, इधर घुसा दी जी जी जी। मेरा स्टीयरिंग ऐसे था, उसने मारा मेरी गाड़ी, बैग वहाँ वापस चली गई जी। मतलब ऑटो वाले की गलती मानते हैं इसमें? गलती किसकी मान लो आप? गाड़ी वाले की। गाड़ी वाली गलती है? यस। क्या गाड़ी वाला ड्रिंक करने की थी उसने? क्या ये था? पता नहीं ये क्या कर रखा था ये। कल में हम तो किसी शादी में से मैं भी गाड़ी लेकर के आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ करके तीन गाड़ी भिड़ी हुई हैं, जो कि सड़क में बहुत ज्यादा गड्ढे हुए पड़े हैं, जो उन्हें बचाने की वजह से ये तीनों गाड़ियाँ टकराई हैं। तो उसके बाद जो यहाँ इंजर्ड हुए पड़े थे, जिनके चोट लगी पड़ी थी, तो हमने पुलिस को 112 नंबर को भी कॉल कर दिया था। उससे पहले ही हमने उनको थ्री व्हीलरों में और गाड़ियों में बैठा करके हॉस्पिटल के लिए। गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 445 के पार नजर आया। बढ़ते प्रदूषण के बीच सफेद धुएं की चादर पूरे शहर में छाई हुई है। इस सफेद धुएं की चादर ने शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। हरियाणा सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। यदि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो वो अपने आधार पर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्कूल बंद किए जाएं या नहीं। फिलहाल गुरुग्राम में सभी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच ग्रेप लागू कर दिया गया है, जिसके चलते तमाम जिला प्रशासन की जो टीमें गठित की गई थी वो 27 से नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरत रही हैं। इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है, तो वहीं तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आ रही हैं, जहां पूरे क्षेत्र में सफेद चादर छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। विजिबिलिटी काफी लो हो गई है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को अब स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पूरे क्षेत्र में सफेद धुंध की चादर छाई हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से पार हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन
कि जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। आपको बता दें कि 27 टीमें प्रदूषण को लेकर काम कर रही है। ऐसे में सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं सभी जिला उपायुक्तों को कि वो स्कूलों को खुला रखें या बंद करना है, इस पर वो अपना निर्णय ले सकते हैं। और ऐसे में लगातार बढ़ता प्रदूषण साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और ऐसे में जो सांस की बीमारी से बच्चे या बुजुर्ग ग्रस्त हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन प्रदूषण को लेकर हिदायतें जारी कर रहा है और ये भी कहा गया है कि जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने फेस को ढककर निकले, जिससे कि प्रदूषण से बचा जा सके। सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की समस्या जन्म ले लेती है और ऐसे में हर साल इसी तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और गुरुग्राम वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। सिरसा जिले के मेला ग्राउंड में चोरों ने एक मकान में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से लाखों के जेवर और हजारों की नकदी चुरा कर ले गए। शहर थाना पुलिस ने मकान मालिक का बयान दर्ज करके अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार का मेला ग्राउंड की गली नंबर 1 में मकान है। सुशील कुमार का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ रामा मंडी पंजाब में शादी समारोह में गया हुआ था। रविवार शाम को वापस लौटा तो मकान के गेट और कमरों के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। सुशील कुमार का कहना है कि उसने अलमारी खोली तो उसमें सोने की 3 अंगूठी, 1 सोने का हार और 10,000 रुपए की नकदी गायब मिली। तो वहीं चोरों ने उसके पंजाब जाने के बाद पीछे से वारदात को अंजाम दिया। सुशील कुमार ने चोरी की सूचना शहर थाना पुलिस को दी। इसके बाद कीर्ति नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। खबर सिरसा से है जहां चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। आपको बता दें कि पूरा परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। वहीं जब पूरा परिवार वापस लौटा तो देखा कि घर के और अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। चोर भारी मात्रा में जेवर और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला सिरसा का बताया जा रहा है जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोर ने बंद पड़े घर को अपना निशाना बनाया और मौके का फायदा उठाकर भारी संख्या में जेवर और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं वापस लौटने पर प्रदूषण और धुंध के चलते रोहतक के DC धीरेन्द्र खड़गटा ने जिला में आगामी आदेशों तक प्राइमरी स्कूल के बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कई जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। इसी तरह सोनीपत में 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए रहेंगे। शिक्षा विभाग ने मौसम के मुताबिक स्कूल बंद करने के लिए सभी जिलों के DC को निर्णय लेने के लिए आदेश जारी किए हैं। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर और ठंड को देखते हुए विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। डीसी की ओर से 5वीं तक के कक्षा बंद कर दिए गए हैं। अब 5वीं तक छात्रों की छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान रखने की सलाह दी गई थी। सुबह और शाम के समय घर पर ही रहने की बात कही गई। तो वहीं अब विभाग की ओर से भी बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में ग्रैब का 4th चरण लागू हो गया। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और NCR के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रैब के 3 चरण पहले ही लागू हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। CAQM के अनुसार ग्रैब का 4th चरण 18 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो गया। हरियाणा के 22 में से 14 जिले NCR में आते हैं।
ऐसे में ग्रैब चार लागू होने से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और परिवहन सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा 14 जिलों में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। जब तक प्रदूषण कम नहीं होगा, चलते हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव गैबेपुर फ्लाईओवर पर 5 वाहन आपस में भिड़ गए। धुंध ज्यादा होने के कारण दृश्यता बिल्कुल कम बनी हुई है, जिसके कारण आमजन के साथ ही राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर वाहन बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव गैबेपुर में स्थित फ्लाईओवर के ऊपर 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हरियाणा के कैथल में घने कोहरे की वजह से एक बार फिर हादसा हुआ है। सोमवार सुबह हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर क्रेन, ट्रक, पिकअप सहित 8 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कार में आग भी लग गई और वो मौके पर ही पूरी तरह से जल गई। हालांकि कार में बैठे हुए दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ड्राइवर को गंभीर हालत में कैथल नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कलायत पुलिस की गाड़ी भी हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची, तो वहीं हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कैथल में सोमवार सुबह भी घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी बहुत ही कम रही, जिसमें रोड पर निकले वाहन रेंग कर चल रहे थे। इस बीच हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव बाता में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर सुबह 5:30 बजे के करीब एक के बाद एक 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव अगले साल 2025 की शुरुआत जनवरी में होने की उम्मीद है। चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए सिख समुदाय के नेताओं ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने अपने समूहों के लिए उम्मीदवारों को खड़े करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हाल ही में सिख समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति HS भल्ला के साथ बैठक की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को बताया गया है कि चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पानीपत पहुंचे। पानीपत की टेक्सटाइल नगरी में विभिन्न कपड़ा निर्माताओं के साथ बैठक की और औद्योगिक संस्थानों का दौरा भी किया। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पानीपत के कपड़ा निर्यातकों से रूबरू हुए और उनके प्रतिष्ठानों में पहुंचकर उनका काम देखा। इनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ बैठक की थी। प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने कहा कि पुलिस अधिकारी ईमानदारी, निष्पक्षता और जांच कर प्रभावित महिला को न्याय दिलवाने में सहयोग करें। सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराधी फोन, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ देते हैं। साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत 1930 या 112 पर कॉल करें या पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ SHO थे और एक सिटी SHO ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचे, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पर जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं
और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।